रगों में खून दौड़ रहा है वो आपकी माँ का खून है, आप कृपया करके उन्हें वृद्धा आश्रम में नहीं छोड़ें, क्योंकि ऐसी शिकायतें हमें मिलती है। इसलिए मैंने ये मेरी तरफ से एक निवेदन किया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है, हम देखो तीन तीन महिलाएं, मेरे को शायद पहली बार रिकॉर्ड में देश आजाद हुआ है जिस दिन से आज तक एक महिला पे विश्वास किया कि मुझे उद्योग विभाग, देवस्थान विभाग, और हमारे सीएस उषा जी है, वीनू जी है, तो हमारे महिलाओं को जो सम्मान दिया है राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने, ऐसा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे देश में, आप देख सकते हैं। मैं दो लाइन हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय के लिए कहूंगी, लेकिन आप इतने सुस्त नहीं बैठे। मैं आपकी सिफारिश करूंगी और मैं भी जितना आप जो कहेंगे आप सबके आदेश की पालना करूंगी। आपका और हमारा एक परिवार है और मैं उम्मीद रखती हूँ कि देश से विदेश से आप अपने संपर्क वालों को जरूर लेकर के आएंगे, जिससे कि हमारा राजस्थान एक चमकता हुआ सितारा बनेगा। मैं दो लाइन कहूंगी, मैं वो तारा नहीं, मैं वो तारा नहीं जो आसमान से टूट कर जमी पर गिरूं, मैं वो तारा नहीं जो आसमान से टूट कर जमी पर गिरूं, मैं सूरज सा प्रकाश हूं, मैं सूरज सा प्रकाश हूं, धरा के हर कोने को रोशन करूं, मैं वो अशोक गहलोत सरकार हूं, राजस्थान के हर वर्ग को खुशी देता हूं, रोशन करता हूं, मैं वो पेड़ का पत्ता नहीं टूट कर जमी पर गिरूं, मैं वो पेड़ का पत्ता नहीं जो टूट कर जमी पर गिरूं, मैं वो अशोक गहलोत हूं जो हर इंसान प्राणी जीव के दर्द को महसूस करता हूं, मैं वो अशोक गहलोत हूं हर इन्वेस्टर्स की मांग को पूरी करता हूं, मैं वो अशोक गहलोत हूं। धन्यवाद, जय हिंद। मैं बहुत